everyone. Myself, Bharat Maruti Doltade. I am from Maharashtra. I am a first year student at Bukovinian State Medical University. Today, we are in front of hostel mess, which is situated at hostel number 5. So let's have a brief tour of our hostel mess and see how things actually work. We have neat and tidy cafeteria, which is dedicated only for Indian students, and it provides homely atmosphere for us. We have breakfast, lunch and dinner here. There is a weekly change of menu. We students are provided here a balanced and hygienic diet with a wide range of vegetables, sambar, kadhi, pulses, chapati and rice. At this moment we are going to have lunch. So today we have veg biryani and raita in our menu for lunch. Every day there is something different. So let's taste the food and see how it is. By tasting this food, I can honestly say that the food is completely of Indian standard. And this raita absolutely tastes as of home. So let's come and meet our chef uncle and see what he is cooking for dinner tonight. Namaste, अंकल जी, सॉरी पहले तो आपको इस समय डिस्टर्ब करने के लिए, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? अंकल जी, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। एक्सपीरियंस के बारे में बेटा, हमने 30 साल बेटा चंडीगढ़ में काम किया, महफिल रेस्टोरेंट में, गजल रेस्टोरेंट में, शेरा पंजाब में, उसके बाद 4 साल हमने महाराजा रेस्टोरेंट जर्मनी में काम किया, 4 साल हमने स्वागत रेस्टोरेंट में काम किया जर्मनी में, 3.5 साल हमने स्पेन में काम किया, गेट बुट्टो इंडिया रेस्टोरेंट में काम किया, 2 साल हमने बेल्जियम में काम किया, 2018 से लेके अभी तक हम यहाँ यूक्रेन में। अंकल जी, आप जब हम स्टूडेंट्स के लिए खाना प्रिपेयर कर रहे होते हो तो सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज पर होती है? हमें सोचते बेटा कि बच्चों को अच्छा पढ़ दे, अच्छा खाना मिले, प्रोटीन वाला खाना मिले, जिससे बच्चों का दिमाग बुद्धि पढ़ाई के लिए अच्छी हो, अच्छी लगन से पढ़ाई करे, पर डे मेनू चेंज होता है। अच्छा अंकल जी, तो आज खाने में आपने क्या प्रिपेयर किया? आज बेटा मिक्स वेज है और मिक्स वेज वेजिटेबल मिक्स वेज और राइस। जैसे कि हमें पता है यूक्रेन में इंडियन खाना बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, और जैसे कि इधर यहाँ इंडियन मसाले मिलना बहुत मुश्किल है, अवेलेबिलिटी भी कम है, तो आप कैसे मैनेज कर लेते हो? हम बेटा इसको जैसे मैं खुद प्रत्येक साल में आता हूँ, उस टाइम में 2-2.5 क्विंटल में लेके आ जाता हूँ, बाकी वहां से इम्पोर्ट करा लेते हैं, बाकी कुछ ऐसे मसाले जो यहाँ मिल जाते हैं। थैंक यू अंकल जी, आपने इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप कोई एक हम स्टूडेंट्स के लिए एक हमारे तरफ से यही है बेटा कि बच्चे अच्छी डिग्री पास करके जाए यहाँ से, और हमारे जो मेहनत का फल है वो हमें यही चाहिए, स्वीकार हो कि हमारे बच्चे सही ढंग से पढ़ाई करें और सही डिग्री पास करके अपने इंडिया जाए। धन्यवाद अंकल, सभी बच्चों की तरफ से आपको। ओके बेटा, ओके। सो अगेन वी आर हियर विद आवर डिनर एज प्रॉमिस्ड बाय आवर शेफ अंकल। Our university mess is well equipped with modern machines like automatic chapati maker, so that we can get a perfect Indian chapati here in Ukraine, thousands of kilometers away from India. Since there is an Indian mess, we need not to worry about cooking and we easily save our time for self-studies. I hope this short tour would be helpful for you in choosing the best university for your MBBS career abroad. Thank you.